गृहमंत्री एवं सहकार राज्य मंत्री अमित शाह जी द्वारा जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जो पेश किया, मैं उसका समर्थन करता हूं। चेयरमैन मोदिया मोदी लिंग बदल गया, मोदिया बोले मैं, लिंग बदल गया इतने। चेयरमैन साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता, जो स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने एक स्टैंडिंग नोट दिया था कि धारा 370 स्थायी तौर पर ना लगाई जाए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजारत में लॉ मिनिस्टर थे, सेम जब जम्मू कश्मीर के जो अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों, हम पूरे देश के अनुसूचित जाति समाज के लोगों के ऊपर जब अत्याचार हो रहे थे तो उन्होंने विरोध किया, तो पार्लियामेंट में उनको बोलने से मना किया, तो अपने रिजाइन से पद देकर बाहर आ गए थे। 1952 में जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनको हराने का काम किया था। 1954 में भंडारा संसदीय सीट से फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा, फिर उनको वहां से हराने का काम किया। आज दलित विरोधी विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के लोग बाबा साहब का चित्र लगाकर वाई वाई लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया। जब पूरा देश बाबा साहब को मानता है, 1947 में देश आजाद हुआ, क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? मैं धन्यवाद करता हूं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को और पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को, 1990 में उनको भारत रत्न देने का काम किया और सेंट्रल हॉल में उनका चित्र लगवाया। इसी प्रकार से नहीं जी, इसी प्रकार से क्या बाबा साहब का जो राष्ट्रीय स्तर पर अवकाश नहीं होना चाहिए था, किसी पार्टी ने नहीं दिया? मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल का अवकाश घोषित किया। इसी प्रकार से क्या गणतंत्र दिवस पर बाबा साहब की पालकी को उस बेड़े में शामिल नहीं करना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब की उस पालकी को बेड़े में शामिल करने का काम किया। धारा 370 जब तोड़ी गई तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पर पीड़ित थे तो अनुसूचित जाति समाज के लोग थे। वहां पर भारत का किसी व्यक्ति को नौकरी करने का अधिकार नहीं था, जमीन लेने का अधिकार नहीं था, व्यापार करने का अधिकार नहीं था, रिश्ते नाते करने का अधिकार नहीं था। केवल एक अधिकार था, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जाकर के वहां पर केवल सफाई कर्मचारी का काम कर सकता था। ये पोजीशन हिंदुस्तानियों की थी। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जो बाबा साहब के जो पंच तीर्थ स्थान थे, जैसे उनका जन्म स्थान था, लंदन में शिक्षा की, नागपुर में दीक्षा दी और दिल्ली जनपद पर जहां पर वो रहते थे पंच तीर्थ स्थान बनाए और वहां पर 100 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च करके आज पंच तीर्थ स्थान लोग जाते हैं, लाखों लोग वहां दर्शन करके आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो मुंबई के अंदर बीचों बीच इंदर मिल्स कंपाउंड, उस पर भी 400 करोड़ रुपए खर्च करके बाबा साहब के नाम बनाने का काम किया। हमारे नहीं नहीं जम्मू कश्मीर से जुड़ा विस्तार बाबा साहब का भाई, आप बोलिए बोलिए। इसी प्रकार से हमारे कांग्रेस शासन काल में
जो बाबा साहब की जो सामग्री थी जो यूज करते थे उन पर दीमक लग गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिचोली के अंदर चिचोली में 50.76 करोड़ की लागत से 11.5 एकड़ जमीन पर वो खर्च करके वो संग्रहालय बनाने का काम किया। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने सदा उनका अपमान करने की कोशिश की, तो इसलिए देश का अनुसूचित जाति समाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता है कि उन्होंने भीम ऐप के नाम से ऐप बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से आवास योजना बनाई, तो कितने काम बाबा साहब से के नाम से उन्होंने नहीं किए। इसलिए कांग्रेस पार्टी देश आज़ाद होने के बाद लगभग देश पर राज किया, लेकिन अनुसूचित जमात जाति और 5 साल में केवल वोट हासिल करने के लिए ये वोट बहुत आसानी से ले जाते थे। आज की जो कैबिनेट है नरेंद्र मोदी जी की, 12 हमारे SC समाज के मंत्री हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से संत गुरुदास जी महाराज ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में सभी को मिले अन्न, छोट बड़े सब बसे रहे दास रहे पनसन। इसलिए 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल से लेकर आज तक और 5 साल आगे के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री ने गरीब आदमियों की सहायता के लिए उनके लिए फरी अनाज देने की बात भी कही है। इसी प्रकार से हमारा जो समाज है आज पूर्ण रूप से बाबा साहब का जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हम नमन करते हैं। और आने वाले समय भी दलित समाज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है, तो इसलिए मैं दोबारा फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।